स्टार्ट कर दो, 10 मिनट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कितना कर लिया था, रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, राइट, है ना। तो रैशनलाइजेशन को आज आगे बढ़ा के रैशनलाइजेशन सब खत्म कर लेते हैं हम लोग। फिर एक या दो लेक्चर लगेगा तो आप लोगों का ये पूरा एलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जो रिमेनिंग फार्मूले है, दो तीन चार और टाइप के फार्मूले, वो फार्मूले में लिख दूंगा। लेकिन आप जानते हो कि फार्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो था आपने देखा था छोटे छोटे फार्मूले पे कितने बड़े से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न इस समय यही आ रहा है। अब उठा के देखो, पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अभी हम लोगों ने क्या किया था कि सपोज करो यहाँ पे क्या था, अगर एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवेन आता था, अगर एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवेन आता था कि मान लो कि रूट में ए माइनस प्लस माइनस बी दिया जाता था, प्लस माइनस रूट में बी, या केवल बी रहता था, प्लस माइनस रूट में बी होता था या तो केवल बी रहता था, तो आप लोग क्या करते थे, इसको वन अपान एक्स निकालने के लिए क्या करते थे, इसको या तो अगर प्लस है तो इसको माइनस कर लेते थे, माइनस ए माइनस बी। अगर वन बाई एक्स निकालना है, अगर ये माइनस रहता था तो इसको क्या कर लेते थे, आप प्लस कर लेते थे बी। कब, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता था, वन, व्हेन व्हेन इनका डिफरेंस कितना आता था, रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता था, माइनस वन आता था, सॉरी वन आता था। तो आप क्या कर लेते थे, वन बाई एक्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, यानी रैशनलाइजेशन कैसे करते हो तो मैंने बताया था, बट उसको ये भी बताया था उसको अवॉइड कैसे करना है, उतना ज्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, अगर प्लस है तो डायरेक्ट माइनस, और माइनस है डायरेक्ट प्लस, कब, जब इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का कितना हो जाए, जब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाए, वन हो जाए, ठीक है ना। एक चीज और बताया था, अगर ए वैल्यू इतना गिवेन है, ठीक है ना, अगर x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, अगर आपको ए वैल्यू गिवेन है, x वन बाई एक्स निकालना है, तो आपको क्या करना था, डबल करना था किसका, ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू का जो ग्रेटर वैल्यू थी इन दोनों में, इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू रहती थी उसकी क्या करना था, डबल करना था। हमें क्या मिल जाता था, डायरेक्ट ए वैल्यू मिल जाती थी। सिमिलर अगर x माइनस वन बाई एक्स करना था तो हमें क्या करना था, डबल करना था स्मॉल वैल्यू का, स्मॉल वैल्यू का जो छोटी वैल्यू है उस वैल्यू का क्या करना था, डबल करना था, ठीक है। तो हमें क्या मिलता था, x माइनस वन बाई एक्स, ये भी मैंने बताया था कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से वैल्यू आती थी, बट हमने देखा था कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने का हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, हम बस डबल कर दे, जो ग्रेटर नंबर है उसको डबल कर दो, यहाँ पे किसको कर दो, जो स्मॉल नंबर है उसको डबल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ये हमने तरीका सीखा था, जैसे अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो मैं एग्जांपल लेके के समझा देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोला था कि अगर x इज इक्वल टू, मान लो आपको 2 - √3 दिया हुआ है, अगर x इज इक्वल टू कितना गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है 2 - √3। अब इनके स्क्वायर का करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या रहेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी क्या। इसका मतलब क्या, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है, और जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, 2 + √3। एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, जी इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, 2 बड़ा नंबर है, तो 2 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 4। एक्स माइनस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा, छोटे नंबर का डबल कर दो, ये छोटा नंबर कितना, √3, इसका डबल कर दो कितना आएगा, √3 आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब जब यहां तक आ गए आप और यहां तक आ गए, तो उसके बाद चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछे, चाहे 4 की वैल्यू पूछे, चाहे क्यू की वैल्यू पूछे, जिसकी भी वैल्यू पूछेगा आप क्या करोगे, उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हो, जब यहां तक वैल्यू आ गए, क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन क्या बन गया, पुराना टाइप का बन गया। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हुआ कि सभी को क्लियर हुआ इतनी बार, यस ओके, इसको रख करते हैं, अब आगे चलते हैं। चलो अगर मान लो x इज इक्वल टू गिवेन है, हमारे पास हमने ले लिया है 2 √5 -
माइनस रूट में 11, माइनस रूट में 11। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो क्या करेंगे, 2 रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 20 हो जाएगा, और माइनस 11 दैट मीन्स कितना आ गया, 9 आ गया क्या, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया क्या। अगर इनके स्क्वायर्स का, इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 20 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या। अगर इनका डिफरेंस आपको 9 मिल रहा है, इनका डिफरेंस 9 मिल रहा है, इसका मतलब 1/x आपको क्या मिल जाएगा, 2√5 प्लस रूट में 11 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9। आपको कुछ नहीं करना है, यानी यही वैल्यू सेम लिख दो, जैसे वहां पे चेंज करते थे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ भी वही चेंज करना है, बट अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो आप क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वहां पर भी क्या करते थे, डिफरेंस 1 से डिवाइड करते थे, लेकिन किसी नंबर्स को अगर 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो नंबर सेम का सेम रहेगा, इतना तो आपको पता है ना, अगर किसी नंबर में हम लोग अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो नंबर सेम का सेम रहता है। सिमिलर यहाँ पे 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आती, इसलिए वहां पर भी 1 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व किया तो ठीक है, नहीं किया तो कर, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि वहां से 1 पे डिवाइड करते थे, यहाँ पे डिफरेंस 9 आ रहा है तो हम लोग 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। इतनी बात समझ में आई क्या, ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ओके चलो तो आगे चले हम लोग। हेलो, इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन समझ, इनका डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? चलो एक और क्वेश्चन करो, अगर x इज इक्वल टू आपको गिवेन है कितना, मान लो आपको x इज इक्वल टू गिवेन हो, थ्री रूट में 11 माइनस प्लस 2√11 इतना गिवन है, इसकी वैल्यू क्या आ गया, 7 कर लो। अब बताओ 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, सर 3√11 माइनस 2√7 अपॉन 19 कितना आएगा, फिर से बोलो आप, 3√11 माइनस 2√7 अपॉन 19 19 ओके 33 माइनस 24 14 करना क्या है, इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लो, तो 3√11 का स्क्वायर कर लो, माइनस कर लो 2√7 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस लो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 11 रूट में 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और रूट में 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा, ये हो गया 99, ये हो गया कितना 28, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना गया 1 और कितना हुआ 71, तो कितना गया वैल्यू 71, समझा क्या? यस सर अभी समझ गया आप लोग ना, अगर यही सेम चीज अगर, हाँ ये डायरेक्ट मैंने बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे ना तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, अगर रेशनलाइजेशन करेंगे इसका ना, अगर ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है 1/x चाहिए था, यानी क्या हो गया 1/3√11 है ये, अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसा न करके हम लोग डायरेक्ट न करेंगे तो क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू लिखेंगे 1/3√11 प्लस 2√7, बस इसका फिर से रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे,
इसका क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे फिर से, समझ में आ रही है। इसका जब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इनटू इसके अपोजिट साइन का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम वैल्यू आएगी आपको, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आया। तो उतना लेंथ बढ़ाने की वजह से मैं इतना लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने एक बार कर रखा है, रेशनलाइजेशन हम लोगों ने कर रखा, हम लोगों ने सीख रखा है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जब हम लोगों ने सीख रखा है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो फिर से यही सेम काम फिर से यहाँ पे क्यों करेंगे, राइट है ना। समझा आप लोग, सर वो साइन चेंज होगी ना, एक्स में अगर टू रूट फाइव माइनस रूट इलेवन होगा तो फिर वन अपॉन एक्स में प्लस आएगा ना बीच में, अगर यहाँ पे क्या रहेगा तो माइनस रहेगा तो नीचे वन अपॉन एक्स फाइंड आउट करने के लिए प्लस आएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। हाँ वही तो, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, आ देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। वो तो पहले जैसे हम लोग पहले रेशनलाइजेशन करते थे जहाँ पे डिफरेंस वन था, जहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर वन था तो वहां पे भी रेशनलाइजेशन करते थे, क्या करते थे, डिफरेंस वन था तो वही हम लोग करते थे तो माइनस, डिनोमिनेटर के लिए हमेशा माइनस करने का ना। अच्छा बोल रहे हो, मैं क्या कोच की वजह, हाँ डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हो, हाँ डिनोमिनेटर के लिए डिफरेंस हमेशा लेना है, वहां पे भी डिफरेंस आप लेते थे ना, यहाँ पे भी डिफरेंस लेते थे, वन आता था ना, यहाँ पे भी डिफरेंस लो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस लेते थे तो वन आता था, यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे, सेम काम करना, क्लियर क्लियर हुआ सभी को, यस हाँ। अगर किसी को इस पे देखना है ना तो इस पे भी देख सकते हो, एक बार करके आप लोग देखना खुद, आप लोग क्या करना ना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कैसे होगा, थ्री रूट में इलेवन माइनस टू रूट में सेवन डिवाइड बाई थ्री रूट में इलेवन माइनस टू रूट में सेवन, इसके कंजुगेट से हमने क्या कर दिया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये फार्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो मैंने कल बताया था, उस पर सॉल्व करके देखना आपको यही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, क्लियर। समझा सभी लोगों ने, यस सर। हाँ जैसे आप लोगों ने कल डिफरेंस ले रहे थे ना, वन आ रहा था, वैसे ही डिफरेंस ले रहे हो तो नाइन आ रहा है, तो वन आ रहा था तो वन से डिवाइड कर रहे थे, यानी वन से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर नाइन आ रहा है या बड़ी वैल्यू आ रही है वन से ज्यादा आ रहा है तो उससे डिवाइड करने का क्या होगा, इससे फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर, ओके yes, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, yes, नोट तो नहीं करना था, सभी लोग नोट कर लिया था ना, चलो सपोज करो x इज इक्वल टू दिया हो आपके पास टू रूट में थर्टीन माइनस प्लस ही ले लो, प्लस ले लो टू रूट में इलेवन, बताओ कितना है, सर टू रूट थर्टीन माइनस टू रूट इलेवन डिवाइड बाई एट, वन बाई एक्स कितना आएगा, टू रूट थर्टीन माइनस टू रूट इलेवन डिवाइड बाई एट आ रहा है, और किसी का, सर यही आया मेरा, यस सर यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है, ओके 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 ना। अब देखो क्या है, जिन लोगों का नहीं है वो लोग देख लें, क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, टू इंटू रूट में थर्टीन का स्क्वायर कर लो, फिर क्या करें, डिफरेंस लेना है तो टू रूट में इलेवन का स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा, रूट में थर्टीन का स्क्वायर करोगे तो थर्टीन आएगा, माइनस इसका स्क्वायर टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा, रूट में इलेवन का स्क्वायर करोगे तो इलेवन आएगा, ये कितना होगा, फिफ्टी टू होगा क्या, ये कितना होगा, फोर्टी फोर होगा, ये कितना वैल्यू आ गई, एट, एट से आपने डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्लियर क्लियर हुआ सभी को, यस सर, रब कर दो, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
अगर सपोज करो ना x इज इक्वल टू गिवेन है आपके पास रूट में a प्लस रूट में b अपॉन रूट में a माइनस रूट में b, एंड y इज इक्वल टू गिवेन है कितना, y इज इक्वल टू सपोज करो गिवेन है रूट में a माइनस रूट में b अपॉन रूट में a प्लस रूट में b। अगर ये वैल्यू दिया है आपको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है एक्स वाई और सेकेंड निकालना है एक्स प्लस वाई। तो देखो क्या करोगे आप, ये जो यहाँ पे देखो आप पे जो ये वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू रूट में ए प्लस रूट में बी अपन रूट में ए माइनस रूट में बी, और वाई की जो वैल्यू है ना जस्ट इसका रिवर्स है। जो ये वाई की वैल्यू है देखो तो जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या वन बाई एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू हम लोग वन बाई एक्स लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर 1 बाई एक्स रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देख लो अगर 1 बाई एक्स रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 बाई ए वैल्यू रखो रूट में ए प्लस रूट में बी डिवाइड बाई रूट में ए माइनस रूट में बी, इसका रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा रूट में ए माइनस रूट में बी अपान रूट में ए प्लस रूट में बी, तो यही सेम वैल्यू आएगी। आप इसका मतलब इस वाई एक्चुअल में है क्या, इसका रिवर्स है एक्चुअल में, देखा जाए तो वाई है क्या एक्स का इनवर्स है, एक्स का इनवर्स है तो एक्स की वैल्यू अगर ये है तो वाई की वैल्यू वन बाई क्या होगा एक्स होगा, और जब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पूछा है तो एक्स की वाई की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला कितना वन बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी वन होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी वन होगी। आते हैं इस पे, ये क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स क्या पूछा आपसे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछा है, तो आप इसको ऐड करोगे तो कैसे आएगा वन अपान सॉरी रूट में ए प्लस रूट में बी अपान रूट में ए माइनस रूट में बी प्लस क्या आ जाएगा रूट में ए माइनस रूट में बी अपान रूट में ए प्लस रूट में बी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लो, आपको करना क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लो, बट इतना कुछ करने की जरूरत है मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करोगे ठीक है ना, बट समझ लो हो कैसे बढ़ा है आ कैसे रही, तो क्या करोगे इन दोनों का एलसीएम ले लो। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग तो क्या आएगा रूट में ए माइनस रूट में बी एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में ए प्लस रूट में क्या आएगा बी आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में ए माइनस रूट में बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में ए प्लस रूट में बी। अब यहां से इसको डिवाइड करोगे बचेगा क्या ए वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट में ए प्लस रूट में बी, यही करोगे ना इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी तो बचेगा क्या रूट में ए माइनस रूट में बी, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट में ए माइनस रूट में बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा होल स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो तो क्या लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर मतलब रूट में ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट में बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। इसका ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा रूट में ए का स्क्वायर प्लस रूट में बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रूट में ए इंटू रूट में बी प्लस सिमिलर, अगर इसको ओपन करते हो आप सिमिलर इसको ओपन करते हो आप अगर सिमिलर इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा रूट में ए का स्क्वायर प्लस रूट में बी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रूट में ए इंटू रूट में बी आएगा। क्लियर है क्या इतनी बार, समझ में आ रहा है क्या ये कि हमने क्या किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ब्रेक किया। क्लियर, अगर ये देखो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा रूट में ए का स्क्वायर ए रूट में बी का स्क्वायर बी रूट में ए का स्क्वायर ए रूट में बी का स्क्वायर बी डिवाइड बाई रूट में ए का स्क्वायर ए माइनस रूट में बी का स्क्वायर बी, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई टू टाइम्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, किसकी वैल्यू ये आ गई एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको टू टाइम्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, दैट मीन्स थोड़ा सा ठीक है दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक नीचे तक यस सर ओके
ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गया, टू टाइम्स ए प्लस बी अपन ए माइनस बी आ गए। इसका मतलब स्टूडेंट है क्या, सिंपल तरीका है क्या कि देखो इसकी वैल्यू तो आपने समझ गए तो वन होगा, दैट मीन्स एक्स इंटू वन बाई एक्स की वैल्यू वन हो गई। जब हमें इस तरह से रिवर्स वाला वैल्यू दिया हो, एक्स की वैल्यू समथिंग दिया हो, वन बाई एक्स की जगह पे वाई दिया हो, वो ये डायरेक्ट ना दिया हो कि वन बाई एक्स है, तो आपको अगर वाई गिवेन है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन में देखना पड़ेगा क्या है वैल्यू, वन बाई एक्स है, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर एडिशन पूछ रहा है इनका एक्स बाई वन बाई एक्स का, तो क्या करना है, इन दोनों का सम ले लो। तो ए क्या है, ए और बी, रूट रूट में ए और रूट में बी, इनका दोनों का सम लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। रूट से कोई मतलब नहीं है, बस इतना बस देख लो कि ये चीजें हैं क्या, ये रिवर्स हैं क्या, बस इतना देखना और अदरवाइज कुछ भी नहीं देखना आपको। ये क्या देखिए आपने, ए और बी, ए और बी का क्या कर लिया, सम ले लिया, इन्हीं का डिफरेंस ले लो ए माइनस बी, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर किसी को ये आइडिया नहीं है, ये डायरेक्ट आपको नहीं आइडिया कि हमारा अगर ये वैल्यू होती है ऐड होने के बाद क्या आती है डायरेक्ट टू ए प्लस बी अपन ए माइनस बी, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको ये चीज अगर याद है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना करो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ध्यान देना चीज, समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एक्स की वैल्यू इतना गिवन है ना, तो देखो इसी का जस्ट रिवर्स वाई की वैल्यू, इसका मतलब एक्स की वैल्यू इतना है तो वाई की वैल्यू क्या है, वन बाई एक्स है। अब इन दोनों का अगर सम पूछा है, इन दोनों को सम यानी इन दोनों का एडिशन पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है, ए जो दिया ना रूट में ए और रूट में बी, रूट में ए और रूट में बी दिया ना, इनका ऊपर सम ले लो, इनका सम ले लो और टू से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय क्या कर लो, इन्हीं का डिफरेंस ले लो, आंसर मिल जाएगा आपको। इतना ज्यादा एलसीएम लेके रैशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्लियर, यही मैं बता रहा हूँ। yes. समझ में आया? आइए कैसे ये वैल्यू आई है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि रीजन क्या है, कि डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं दिया, अगर मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इसकी वैल्यू ये आएगी, लेकिन मैंने ये दिखाया आपको कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही, तो आपको ये डिफरेंस पता चले कि हाँ मुझे इस पे नहीं जाना, हमें आप इस पे वर्क करना है, क्योंकि एडवांस मैथ में बहुत सारी चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर वो सारी चीजें लर्न है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, किसी मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब कब बताओगे, जब आपको ये सारे कंसेप्ट छोटी छोटी चीजें सारी कुछ आपको क्या हो आइडिया हो, तो अदरवाइज तो नहीं होगा। क्लियर? यस सर। नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो आप लोग। डन सर। डन, रफ कर दो। वेट सर, वेट सर, वेट। ओके ओके ओके, जो कंसेप्ट को एक ही बार में समझ जाए, जो कंसेप्ट समझना जितना टाइम लेना ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बताने की जरूरत पड़ेगी, पीछे सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये मैं क्रॉस किया हूँ, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है, बस इसको यूज मत करना है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। समझ में आई बात ना, ये इसका रीजन है कि कहाँ से आया है, मत समझना कि गलत है, इसको नोट नहीं करना है, ये रीजन है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। मैं ये बताया इसको क्रॉस इसलिए किया है कि इसको अवॉइड करना है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई इसको करना है, तो आप भी क्रॉस मत कर लेना वहाँ पे नोट करना। तो Done, sir. Done? Yes.
चलो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो x इज इक्वल टू गिवन है आपके पास क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपॉन रूट में 5 माइनस रूट में 3। आपसे वैल्यू क्या पूछा है, आपको बताना है स्टूडेंट कि x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितना होगी। आपको क्या बताना है, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितना होगी, बता दो फटाफट आंसर। बताओ आप लोग, कितना आएगा? 8। वेरी गुड, सभी का 8 आ रहा है। यस सर। समझ में आया कितना बड़ा कैलकुलेशन करने का क्या हुआ, एक स्टेप में आंसर। तो ऐसा ही करना। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू पूछा है ना, यहाँ से x की वैल्यू है तो 1 बाई x भी निकालेंगे, 1 बाई x भी निकालेंगे, तो 1 बाई x कितना हो जाएगा, रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब इतना वैल्यू हो जाएगी। अब इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अच्छा ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, वो ये करना है हमें। तो इतना करने की क्या जरूरत है, हमें इतना पता है कि 1 बाई x बोला है तो इसका मतलब इसका रिवर्स ही तो पूछा है, इसका रिवर्स ही तो बोला है ना। अजब इसका रिवर्स बोला है तो रिवर्स करने में हमें प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों रिवर्स करें, उतना क्यों टाइम उस पर कंज्यूम करें, डायरेक्ट निकालते हैं वैल्यू कितने होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर। सॉरी एक मिनट, क्या था, x इज इक्वल टू रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपान रूट में 5 माइनस रूट में 3। तो हमने बोला था डायरेक्ट 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या करोगे, तो 1 बाई 5 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3 हो जाएगा। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये मैंने बताया, बस इतना है। तीन स्टेप। हाँ जी बोलो, क्या है कुछ इशू, किसी को कहीं पे कुछ इशू है तो बताओ। बताओ स्टूडेंट, ऐसे बहुत तगड़े वाले कॉन्सेप्ट हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे इतना टाइम ले लेता है कि हमें क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। बताओ हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर सपोज करो आपके पास x इज इक्वल टू दिया हो, फोर माइनस रूट में 11 अपान 4 प्लस रूट में 11 हो, आपसे वैल्यू पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बता दो स्टूडेंट फटाफट दे आंसर, कितना हो गया आंसर। कितना आएगा? आया क्या किसी का? सर 23। और किसी का? और किसी का? देखो देख लेते हैं स्टूडेंट, अब इसमें कहां से फंस गए आप लोग कि यहाँ पे रूट में ए रहता था, माइनस रूट में बी अपान रूट में ए प्लस रूट में बी, हमने तो ये सीखा है, यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, तो रूट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको रूट लगा दो,
अगर रूट में 16 कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर इस 4 को रूट में 16 कर दे तो हमें कोई इशू है क्या? कुछ भी इशू नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट में 11 अपॉन रूट में 16 प्लस रूट में 11। समझ में आया क्या? अब आ गया क्या रूट में ए माइनस रूट में बी अपॉन रूट में ए प्लस रूट में बी, यही तो बोला था आपसे। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, पहले से पहले क्या जाना है, 1/x पे जाना है। और 1/x पे जाना है तो क्या करना होता है आपको, 1/x पे जाना रहता है हमें, तो क्या करना होता है, 2 टाइम्स इन दोनों का सम, 2 टाइम्स इन दोनों का सम, तो 16 प्लस 11 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 इन सॉरी इन दोनों का डिफरेंस, तो 16 माइनस 11, यही तो होता है ना। Please. तो कर लो, देखिए अगर 2 इन 2 इनको ऐड करे तो कितना जाएगा, 27 यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा क्या? Yes. 5 आएगा, तो बस यही हो गया, 54 अपन कितना हो गया, 5 हो गया, राइट है क्या? एक किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर की वैल्यू तो आपको आइडिया है पहले से, क्या करते हो आप लोग, k स्क्वायर माइनस 2, क्या करते हो आप, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करना है, तो k का स्क्वायर यानी 54 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो करते हो क्या है आप, बताओ क्लियर है क्या इतनी बात? Yes. 54 का स्क्वायर करना था मेरे, इतना ही तो पता करना होता है और कुछ तो नहीं करना होता है। एक के का स्क्वायर माइनस 2, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 54 58 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 29, तो 29 16 इसका स्क्वायर हो गया, तो 29 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 29 माइनस 16 डिवाइड बाई 10 50, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 25। अब इसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 29 में से आपको क्या करना है, 29 करना है, तो कितना आ जाएगा, 28 66 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 28 66 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। समझ में आया क्या? अब किसी स्टूडेंट को, अगर किसी स्टूडेंट को पूरा क्लियर था कंसेप्ट तो कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या कर लेता, इन दोनों का वो कहीं कुछ भी नहीं करता, इन दोनों का सम ले लेता, यहीं पे 16 प्लस 11 इंटू 2 कर लेता और डिवाइड बाई 5 कर लेता। 16 प्लस 11 आपने जो लिखा है वो वहां पे रूट 16 माइनस इसके लिए आपने प्लस किया वहां पे? नहीं 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 नहीं, मैंने माइनस के लिए प्लस नहीं किया भाई, माइनस के लिए प्लस नहीं किया। हमने क्या किया है कि अगर हमने ये बताया, हमने कंडीशन क्या बताया, अगर ऐसा से वैल्यू गिवेन है तो हमें अगर इनका रिवर्स इन दोनों का सम पूछ रहा था, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर 2 टाइम्स प्लस लेना है, ए प्लस बी लेना है, या नीचे क्या लेना है, ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला डिराइव किया था क्या हम लोग? सर क्वेश्चन में मतलब न्यूमरेटर में प्लस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा न्यूमरेटर प्लस ही लेंगे। आप करके देख लो, आएगा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा, आपने रिवर्स कर दिया था क्या? यस सर। ओ इसलिए मिस्टेक आ गया था, इसलिए आप लोगों को वैल्यू भी बहुत छोटी सी आ गई थी, समझ में आया? यस सर। कर लो ना, नोट कर लो आप लोग। हेलो, हाँ जी बोलो। माइनस टू के लिए, माइनस टू, हाँ ये तो वो पता नहीं कितनी बार हो चुका है। हाँ। एक कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बस आप अकेले हो या कोई और भी है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये माइनस टू कैसे हम लोगों ने लिया?
सर मैं शायद अकेला है। अच्छा अकेला हो, कोई नहीं। आप क्या कितने क्लास का अटेंड किया? फर्स्ट क्लास है क्या आपका? इसके पहले वाला क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था, इसके पहले वाला आपका। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा ना आप लोग को थोड़ा सा अपने लिए यूं कर लो, मेरे लिए या अपने ही लिए ले लो किसी के लिए, तो कंटिन्यूअस रखोगे तो आपका बेनिफिट 100% बता रहा हूँ होगा। अब मैं देखा कंटिन्यूअस वही बच्चे बैठते हैं जिनको रियल में देखना है, बाकी तो बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, कब आए कब ज्वाइन हुए कब रिमूव हो गए उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास सयम है ही नहीं। वो सोचते हैं कि चलो ऐसा कुछ है दवा है आप सर पिला दो मैं पी लूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा बात करता हूँ, ऐसे तो कहीं हो नहीं सकता, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहला लेक्चर जिसने अटेंड किया है बस यही वो वैल्यू है, पहला लेक्चर मैंने बोला था कि अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है, आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताना है, तो आप करते हो k स्क्वायर माइनस टू, क्या करते हो आप k स्क्वायर माइनस टू, देख लो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितना है 54 बाई फाइव पाई, x स्क्वायर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है 54 बाई फाइव पाई, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस टू होगा क्योंकि k का स्क्वायर माइनस टू, हमने यही किया है, समझ में आया क्या? ओके ये फार्मूला नोट कर लो आप, एक फार्मूला मान लो क्या कहते हैं, इसका जेन्युइन रीजन भी है कि ऐसा कैसे आता है, मैं बहुत ये एक्सप्लेन कर रखा हूँ, आप वीडियो इनसे मांगोगे ना, आप क्लासेस से बोलोगे वीडियो मेरा फर्स्ट लेक्चर का वीडियो दे दो ना, मिल जाएगा आपको, और उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, मतलब इस पे बहुत टफ से टफ क्वेश्चन हम लोग ने किया, आप देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा इन लोगों के पास, आप मांगोगे मिल जाएगा, हो गया नोट? यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन और देखें इसी पे फिर, यस सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आप लोग कुछ भी पूछना रहे ना बी नि सिंह कुछ पूछा करो, ऐसा नहीं है कि आप क्या करो शांत हो जाओ, मैं 100% बताऊंगा 100%, बट ये नहीं कि आप सर रिपीट करो 10 बार करो रिपीट करने, ऐसा कोई मतलब, आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछो मैं जेन्युइन 100% रीजन दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है मैं आपको नहीं मेरे को जल्दी भागना है, अरे भाग के मैं क्या करूंगा जब आपको ही नहीं समझ में आएगा, तो जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसको ना समझ में आता फिर करने का मतलब क्या है, मेरा सीधा फंडा है कि जब तक आपको ना समझ में आया तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, तो जब आपको समझ में आए तभी आगे जाने का मतलब है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है। चलो x की वैल्यू सपोज करो कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू सपोज करो 3 माइनस, चलो छोटी वैल्यू लेते हैं 3 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस रूट में 7, आपको क्या बताना है x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर बताना है, क्या होगी वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट ये बताना, कितना 254 वेरी गुड, और किसी का एटलीस्ट यार इतना कंपटीशन रखो कि 3 से 4 लोग टेंसर दो ही, इतना कंपटीशन 254 चलो कांस्टेंट टेंसर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है कांस्टेंट नहीं आ रहा है इतना तो कॉन्फिडेंस रखो आप लोग, अब मेरे साथ भी ऐसा मुझे भी कॉन्फिडेंस आए, कम से कम 3 या 4 स्टूडेंट तक आप मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ऑप्शन बना दो इतना कॉन्फिडेंस लेके इतनी एनर्जी लेके बैठोगे ना 100% यार हो जाएगा काम, ये करना तो पड़ेगा ही अगर सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा। चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग देख लो, फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपको रूट नहीं दिखाई दे रहा इसको रूट में डाल लो ना, क्या दिखाई देता है इसको कर लो रूट में 9 माइनस रूट में 7 डिवाइड बाय रूट में 9 प्लस रूट में 7, अब ये दिखाई दे दिया क्या सभी को, तो यहां से अगर हमें इस पे जाना है
तो हम क्या वैल्यू, हमें क्या पता है कि x प्लस 1 बाई x की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स इन दोनों का सम 9 प्लस 7 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 7, सिंपल है क्या? तो देखो कितने आ जाएगी वैल्यू, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितना हो गई 16, स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का स्क्वायर माइनस 2, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, में आया क्या, समझ में आया? यस सर। टफ लग रहा है क्या आप लोगों को, कि टफ हो रहा है क्वेश्चंस? नहीं। ओके, तो नोट कर लो, फिर कुछ और थोड़ा सा और देखते हैं आगे। नोट कर लो आप लोग। डन सर। डन। चलो अगर स्टूडेंट x प्लस 1 बाई x की वैल्यू रूट में 2 गिवेन हो, रूट में 2 गिवेन हो, तो क्या x प्लस 4 x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा और x के पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा क्या? ये वैल्यू आपको देखना, इतना होता है क्या? ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है ना डायरेक्ट आंसर है, ये क्या होता है x प्लस 1 बाई x की वैल्यू डायरेक्ट दे देता रूट टू, आपको क्वेश्चन कैसे पूछता हो क्वेश्चन में कराऊंगा, बट ये देखते हैं कि क्या x प्लस 1 बाई x की वैल्यू अगर रूट टू है तो क्या इतनी वैल्यू होती है, अगर होती है तो कैसे होती है? स्टूडेंट आप जानते हो कि x प्लस 1 बाई x है ना, तो रूट में 2 चाहिए, इसका मतलब पहले हम एक बार स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, राइट है क्या? अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 1 होगा क्या, क्योंकि अभी क्या किया था हम लोगों ने, के स्क्वायर माइनस 2, यही तो बताया था ना हम लोगों ने, हाँ सर, अभी हम लोगों ने देखा है ना के स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो देखो अगर के स्क्वायर माइनस 2 होता है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, रूट 2 का स्क्वायर का अगर 2 आएगा, 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इनका एलसीएम ले लो क्या आएगा, x का स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x के पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट है क्या, आ गया क्या ये? इसका मतलब ये है कि अगर आपको, इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगर ये वैल्यू दिया है, अब कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है तो आप बता दोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो कि आपको गिवन हो x के पावर 10 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस टाइप से दिया है क्वेश्चन, आप बोल दिया कि अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू रूट 2 दिया है, आपसे पूछ दिया कि ये वैल्यू कितना होगी, तब क्या करोगे यहाँ पे, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितने का गैप दिखाई दे रहा है, देखो x के पावर 4 यहाँ पे क्या कर सकते हो, x के पावर 4 इंटू x के पावर कितना कर सकते हो आप, अब x के पावर 4 यहाँ से लोगे कितना हो, x पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस x के पावर 6 रहने दो, प्लस x के पावर 4 प्लस x पावर,
अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में तो x पावर 6 यहाँ पे भी x पावर 6 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, x पावर 6 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x के पावर 4 प्लस 1 यहाँ पे बचेगा और प्लस x के पावर 4 प्लस 3 बचेगा, राइट है क्या। इसकी वैल्यू अभी जस्ट देखा आपने कितना होता है, जीरो होता है, ये टर्म पूरा जीरो, x के पावर 4 की वैल्यू देखा आपने माइनस 1 होता है, ये वैल्यू हो गई माइनस 1 प्लस 3, दैट मींस वैल्यू कितना गई 2, समझ में आया क्या। वो x raise to 4 is equals to minus 1 कैसे, x के पावर 4 की वैल्यू यहां पे देखो x पावर 4 की वैल्यू 1 में माइनस 1 निकाला है ना मैंने, जब ये वैल्यू दिया हो x plus 1 by x वैल्यू root 2 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो वही तो मैंने बोला ना कि x पावर 4 की वैल्यू माइनस 1 x plus 4 plus 1 की वैल्यू 0, तो देखो x पावर 4 plus 1 की वैल्यू हमने क्या किया 0 रख दिया था, पूरा वैल्यू 0 हो गया, x के पावर 4 की वैल्यू कितना, 0 तो वो k square minus 2 के वजह से आया, फिर x raise to 4 का वैल्यू कैसे आया, k square plus 2 की वजह से नहीं जैसे भी आया, देखो यहाँ पे क्या x के पावर 4 की वैल्यू माइनस 1 दिखाई दे रही है क्या आपको, जब आपको हाँ। x plus 1 by x square, तो जहाँ पे x के पावर 4 हो वहाँ पे माइनस 1 रख सकते हैं क्या हम लोग, ओके तो यहाँ पे x पावर 4 है तो यहाँ पे माइनस 1 है प्लस क्या 3 इज इक्वल टू 2 होगा, समझा क्या, सॉरी एक ही क्वेश्चन है क्या, वो ऐड है क्या उसमें, हाँ ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, देखो यहाँ तक तो आप कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट था, एक एग्जांपल है, ऐसा दिया हुआ है x plus 1 by x की वैल्यू कितना दिया हुआ है root 2, तो फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखो स्टूडेंट आपको करना क्या, देखो आपको इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है आपको, ये जो मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ ये भी नहीं करना है, करना क्या देखो, दो पावर्स के बीच का डिफरेंस देखो, अगर 10 और 6 के बीच का डिफरेंस अगर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो ये वैल्यू डायरेक्ट 0 कर, खत्म, ये वैल्यू डायरेक्ट 0 कर, x के पावर 4 की वैल्यू जानते हो आप माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 2, एंड समझ में आया क्या, तो ये सारा कंसेप्ट होगा क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस होगा तो आपको 100% आप भी इसी तरह करोगे, इतना भी नहीं करने जाओगे आप डायरेक्ट वैल्यू बताओ, बस इनका डिफरेंस देखना है, इनके पावर का डिफरेंस कितना है, अगर 4 आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसको वैल्यू 0 कर दो, चाहे जितना भी पावर हो आप चलाने दो, आप यहाँ पे 10, 20, 100, 200 दो कुछ भी मतलब नहीं है, बस आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 4 आएगा, बोलो सर, हाँ जी मतलब बोलो। ये जो है x के पावर 10 और x के पावर 6 अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है और उसके बीच का डिफरेंस 4 है तो वो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन के लिए, हमेशा के लिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितना दिया और रूट में 2 दिया है, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू रूट में 2 दिया हुआ है तो आप उनके बीच का डिफरेंस देख लो, उनके बीच का डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा 0 होगा, खत्म, हाँ तो कभी होगा ना जब x प्लस 1 बाई x इक्वल टू रूट 2 होगा, हाँ राइट है राइट, समझ में आया, नोट कर लो आप लोग, एक कॉन्सेप्ट है आपका कि x प्लस 1 बाई x की वैल्यू रहती है तो आपका इतना वैल्यू आती है, कैसे आती है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक एग्जांपल दिखा दिया कि अगर इतना दिया हुआ है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एक क्रॉस किया हूँ इसका मतलब ये 0 है, इतना पर्सन देखो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, तो क्रॉस कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ, क्योंकि पेपर रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं कि पेपर में हम दिखा देंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा, हमें तो फाइनली 2 से मतलब है, 2 कितना आ रहा है, हुआ क्या, यस सर नोट हो गया, यस सर ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग फटाक दें आंसर इसको, देता हूँ क्वेश्चन है if x plus 1 by x की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास रूट में 2 देन फाइंड x के पावर 39 प्लस x के पावर 39 प्लस x के पावर
जीरो कहाँ, यही तो वैल्यू बतानी है, बताओ कितनी वैल्यू आएगी। माइनस टू वेरी गुड। और किस माइनस टू सबका आ रहा -2। हाँ सर। चलो वेरी गुड, इसकी वैल्यू सभी का -2 है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, डिफरेंस देखो तो 4 आ रहा है क्या, 39 -35 4 वैल्यू 0, इनके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है 4 0, x के पावर 4 की वैल्यू कितना आती है -1, तो -1 इज इक्वल टू कितना होगा -2। समझ में आ गया, बस समझ में आ स्टूडेंट। रिप्लाई थोड़ा एनर्जी के साथ दो आप लोग, अभी सुबह सुबह का टाइम है, खाना वाना तो खाए हो ना आप लोग? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं ना है खाना वाना नहीं खाया क्या है? यस सर। ओके अभी से एनर्जी थोड़ा सा दिखाई दी आप लोगों को, चलो रफ कर दो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है इफ एक्स के पावर 2090 इक्वल टू 11 -2 रूप में 30, देन फाइंड एक्स के पावर 403 एक्स के पावर 4038 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। कितना? रुको ऑप्शन दे देता हूँ। चलो अब बताओ सर, बी ऑप्शन। बी आ रहा है ऑप्शन, ये वैल्यू आ रही है। और किसी का, और किसी स्टूडेंट का, और किसी स्टूडेंट का आ रहा है, और किसी स्टूडेंट का बताओ। बताओ देख लेते हैं फिर देखें। यस सर। Yes, देखो आप ऑब्जर्वेशन आपका कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, देखो पहले सिखाता हूँ ऑब्जर्वेशन। अगर एक्स के पावर 2019 है तो आपको चाहिए 11 रूप में 30। एक्चुअल में ये देखो तो क्या है, इसी 2019 का ये डबल है क्या, 2019 का डबल है क्या? Yes, sir. मतलब इसका मतलब इसका स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है क्या आपसे? Yes. इसका मतलब स्क्वायर्स की वैल्यू पूछा है, तो आपको पहले क्या चाहिए, x के पावर 2019 प्लस 1 अपॉन वो x के पावर 2019 चाहिए क्या पहले? Yes, आपको ये तरीका मैंने बताया था स्टूडेंट, करना क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो बड़े प्लस वाला है तो बड़े वाला नंबर का डबल कर दो, अगर माइनस है तो छोटे वाले नंबर का डबल कर दो। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर -2 रूट में 30 का होल स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 30 कर लोगे तो 120, दैट मींस डिफरेंस कितना आ गया 1। अगर डिफरेंस 1 है स्टूडेंट तो इनके प्लस वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर का डबल है, बड़ा नंबर कौन सा 11, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22,
इतनी बात क्लियर हुआ क्या बताओ? yes, जब इतनी बात क्लियर हो गया तो इसी का डबल ही तो बताना है ना, तो आप दो बार में जाओ ना, 2000 4038 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4038 इक्वल टू क्या होगा, 22 का स्क्वायर माइनस 2, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 माइनस 2 इक्वल टू क्या 482, यानी ऑप्शन नंबर डी। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। ये माइनस करके जो वैल्यू 1 लेके आया आपने, इसके बारे में क्या बोले आपने, क्या क्या रहेगा तो क्या करना है? मैं यही तो बताया था आपसे, ये सीखना है, ये सारी चीज हमने सीखा, देखो सीखते हुए आ गए हम लोग, फिर से आप भूल जा रहे हो, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करके आया क्या है अगर पिछले लेक्चर में सीखा देगा ज्यादा। हाँ हाँ पिछले लेक्चर में। हाँ सर मैं नहीं था पिछले लेक्चर में। ओके, यानी कल के लेक्चर में था। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x के पावर 2019 की वैल्यू इतना है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इनका सम, इसका नहीं रिवर्स का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इनके डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डबल, बड़े वाले का डबल करते हैं, कब, जब प्लस करते हैं। तो अगर यहाँ पे x पावर 2019 माइनस करते x पावर 2019, हम छोटे वाले का डबल कर देते, दैट मींस का डबल कर देते, तो हमें आंसर मिल जाता। समझ में आया क्या? मैंने ये भी बताया था, ये भी छोटे वाले डबल कब करेंगे सर? जब ये माइनस यहाँ पर लेना रहेगा, तो x के पावर 2019 माइनस 1 अपॉन x पावर 2019, तब आप क्या करोगे, छोटे वाले का डबल कर दो। मैंने ये भी बताया था, अगर x के पावर 2019 है तो इसके रिवर्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, जस्ट इसका क्या कर लो, आप कंजुगेट ले लो, तो कंजुगेट ले लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 11 प्लस 2 रूट में 30, राइट है क्या, सही है क्या, ये यही तो होता है ना, एक्स की वैल्यू, एक्स के पावर 2019 की वैल्यू इतना है, इसका कंजुगेट लोगे यानी इसका रिवर्स का, तो कितना आएगा, यही तो आएगा ना, प्लस में आएगा वैल्यू, जो डिफरेंस 1 होता। तो सर हमेशा डिफरेंस जब 1 होगा तभी लेना है ना ये? हाँ डिफरेंस 1 है तो, समझा आप लोगों ने, और डिफरेंस 1 भी नहीं है तो क्या करते थे आप, डिवाइड करते थे, बस इतना ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे भी अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो 1 से डिवाइड करके देखो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। इन्हीं दोनों को ऐड करके मैंने 22 लाया है, यानी x के पावर 2019 प्लस 1 अपॉन x के पावर 2019, एज एंड क्लियर कर लो, तो x के पावर 2019 की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस 2 रूट में 30, सॉरी माइनस है, और 1 अपॉन x के पावर 2019 कितना है, 11 माइनस 2 रूट में 30, सॉरी प्लस है, तो 2 रूट में 30 से 2 रूट में 30 कैंसिल हो गया, तो 11 प्लस 11 कितना होगा, 22, और यही चीज मैंने डायरेक्ट यहां पे कर लिया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। रीजन और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ क्या आपको? यस। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए ना, कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो सॉलिड हो, अदरवाइज करने का कोई मतलब नहीं। समझ में आया? समझ में आया क्या? वो सर फिर से बताइए ना, वो 11 माइनस 2 जिसको 30 प्लस 11 और 22 वाला, वो कौन सा, ये राइट पे, यहां पे, हां यहां वाला, ये वाला, हां 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 भाई, इसी से तो ये वैल्यू आया डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट वाला समझ में आ गया, डायरेक्ट वाला याद रखो ना, इसको क्यों याद कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट देख लो। अच्छा क्या है कि मैंने अभी जस्ट बता रहा, जब कंसेप्ट बता रहा था तभी मैंने बताया था कि अगर x के पावर, x की वैल्यू अगर इतना है तो 1 बाई x की वैल्यू क्या होता है, इसका कंजुगेट होता है, इनका डिफरेंस अगर 1 रहता है तो हम कंजुगेट लेते हैं, 1 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपको मिल गई x की वैल्यू और 1 बाई x की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों का सम पूछा, तो इसका और इसका सम पूछा, तो इसको इसको हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब इनको ऐड कर देंगे x के पावर 2019 की वैल्यू कितना है, 11 माइनस 2 रूट में 30 है, और 1 अपॉन x के पावर 2019 की वैल्यू कितना है, 11 प्लस 2 रूट में 30 है, तो माइनस 2 रूट में 30 या प्लस 2 रूट में 30 कैंसिल, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 20, और वहां से फिर ये वैल्यू आना, तो ये सारा कुछ अवॉइड करना आपको आना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। एक और कंसेप्ट बता दो इसी में, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन कैसे करोगे,
आप लोगों को आइडिया है ना कि आपको 25 तक का आपको स्क्वायर याद हो तो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। एरर कर दूं थोड़ा सा? हाँ सर। हो गया ना? यस। अच्छा स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा माइंड सॉल्व करो और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या, एक्चुअल में है क्या? देखो हमें पता है कि x की वैल्यू इतना है तो x प्लस 1 बाई x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, राइट है ना, यानी x के पावर 2019 इतना है तो 1 अपॉन x पावर 2019 तो हम निकाल लेंगे। अब वहां से इसका डबल करना, दैट मीन्स इसका स्क्वायर यहाँ पे हमें बताना है, राइट है। और जब इसका स्क्वायर यहाँ पे बताना है तो आप क्या करते हो, के का स्क्वायर माइनस 2 करते हो क्या, राइट है क्या इसकी बात? यस सर। अगर के का स्क्वायर माइनस 2 करते हो स्टूडेंट तो जो आंसर आता है, जो आंसर आता है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि आपने किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर किया उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो वही आपका आंसर आया है। यस सर। अब मैं बोलता हूं कि जी अगर ये जो माइनस 2 किया है जो आंसर आया है उस आंसर में हम लोग प्लस 2 करें तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? समझा क्या? फिर से बताता हूँ, देखो अगर यहाँ पे देख लो और सब एग्जांपल, अगर के स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू मान लो सपोज करो एक्स आती है, आपने इसका आंसर जो निकाला कितना आ गया ए, मान लो कितना आता है आंसर ए आता है, राइट है ना, के स्क्वायर माइनस 2 किया तो आंसर कितना है ए। मैं कहता हूँ कि के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 2 होगा क्या? yes. इसका मतलब ये जो आंसर आया है उस आंसर में हमने 2 रख दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये बता दो। yes. बन रहा है ना? yes, तो अगर सारे ऑप्शन में अगर हम लोग केवल 2 ऐड करें और देखें कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हमको सोल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी क्या, किसी कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्या? आप देखो 443 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 445 आता है, 445 किसी का स्क्वायर नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 225 और 625 के बीच में कहीं पे भी ये वैल्यू 445 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, राइट। ए बी आंसर खत्म। ये है 4 आ जाएगा 441 441 आ जाएगा 21 आप 441 कितने का 21 का स्क्वायर है? Yes. Yes, sir. ठीक है तो देखो 21 का स्क्वायर ये 488 ए भी देखो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, राइट है क्या? तो 488 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आया क्या? Yes, sir. अब बच्चा ए 482 में अगर 2 ऐड करोगे तो 484 आता है, यानी ये 22 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन कौन सा मिला है, के ऑप्शन मिला, एक ऑप्शन मिला और 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपने कैंसिल कर लिया। अगर गलती से ए भी ऑप्शन अगर कैंसिल हो जाता तो डायरेक्ट आप आंसर क्या कर लेते सी को, यानी कि अगर दोनों ऑप्शन तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर गया तो हम लोग चेक कर लेंगे, अगर दोनों ऑप्शन नहीं मैच किया केवल एक ही ऑप्शन मिला तो आप क्या कर लो 482 को टिक करके निकल जाओ, या आपके पास ए मैच नहीं कर रहा है ये मैच कर रहा है इसको टिक करके निकल जाओ 100% आपका राइट, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में न दिया हो, कुल ऑप्शन में नन ऑफ दीज न दिया हो, अगर ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए हो तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। तो लॉजिक समझ में आया क्या आप लोगों को? लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है तो ए लॉजिक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और सिंपल है और जल्दी वाला है, जितना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे जल्दी आंसर हो जाएगा, राइट है क्या? राइट सर। ठीक है ना, बस ये सब क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस से या लॉजिक बनाना आपको खुद माइंड में आ जाएगा। मैं कई क्लास में देखता हूँ स्टूडेंट नाम में खुद बताते हैं सर ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, और राइट वो बताते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो वो देख लेते हैं अच्छा ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल से डिवाइड करके निकाल लेते हैं आंसर। इसलिए ऑप्शन से जाना बहुत आसान होता है, ऑप्शन से खेलना आपसे सीख गया आपने, अगर ऑप्शन से खेलना आपने सीख गया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में, आपको प्रॉब्लम तो नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैंने सोल्यूशन भी बता दिया, जब आपको नहीं आ रहा है तो आप इस पे जोर मत देना, ठीक है, कि कहीं नहीं आया तो क्वेश्चन में इसी पर सोचते रह जाओ,
तो आपके पास तरीका भी है, उस पर भी कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसी का आंसर आता है कि नहीं। फाइंड वन अपन पी स्क्वायर प्लस वन अपन क्यू स्क्वायर, ऑप्शन है 148, बी ऑप्शन है 189, सी ऑप्शन है 194 और डी ऑप्शन है 200। बता दो स्टूडेंट। बता दो फटाक दे आंसर। ये कितने, अगर देखो अब क्वेश्चन कहीं से डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी तरह से क्वेश्चन घूम के आएगा तब क्या करोगे ये आपको दिखाई देना चाहिए, या यही आपका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट है तभी आप कुछ करोगे, अदरवाइज नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ बना दें तो नहीं, आपको घूमना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं सर अलजेब्रा के सारे फार्मूले लिखवा दो, लिख लो भाई फार्मूले, मैं पूरा फार्मूले कहो तो एक बार लिख के वही दे दूं, पीडीएफ दे दूं कि हाँ ये होता है फार्मूले सारे, रट्टा मार लो। देखो फार्मूलों को यूज करने तो आना चाहिए। वेरी गुड, और किसी का 189, वेरी गुड। चलो आंसर आने शुरू हो गए, ये अच्छी बात। और उसके बाद दो स्टूडेंट, भाई मैंने बोला एटलीस्ट चार लोग तो बताओ, तीन लोग बताओगे कि नन ऑफ दीज मैं दे दूंगा। नन ऑफ दीज सबसे सबसे मतलब वर्स्ट आपका वो होता है ऑप्शन, सबसे खराब ऑप्शन होता है। आप मनाओगे मेरे ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में नन ऑफ दीज तो आएगा। कितना 194, अच्छा 194 पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अच्छी बात है। नन ऑफ दीज तो आप मनाओगे आएगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा आंसर होता है, क्योंकि आप तीन लोगों को कैंसिल करके एक ऑप्शन को कैंसिल ले रहे हो। चलो देखते हैं, देख ले फिर। यस सर। देखो स्टूडेंट एक्चुअल में है क्या, पहले क्वेश्चन को पकड़ो आप, क्वेश्चन है क्या, क्या पूछा है। अगर पी क्यू की वैल्यू इतना दिया, पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितना है 1, तो क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/Q होगा क्या? राइट। अगर दोनों का स्क्वायर कर दो तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/Q का स्क्वायर होगा क्या? यस। अगर ये होगा तो आपसे पूछा क्या, 1/P का स्क्वायर प्लस 1/Q का स्क्वायर, इसका मतलब 1/P का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यही तो पूछा है क्या स्टूडेंट? यस सर। आगे क्वेश्चन पे, अब आपका मतलब की आपको जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया, जैसे जाना पहचाना से बन गया हमें करना क्या होता है, इनका डिफरेंस देखना होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये कितना होगा 48 हो जाएगा, डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सही 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो आपको क्या लेना, प्लस वाली वैल्यू नहीं आ रहा, इसका डबल कर लोगे, डबल कर लोगे तो कितना होगा, 7 का डबल 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 192। जो स्टूडेंट यहाँ तक आ गए थे, जिनको ये दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर वाला है प्रॉब्लम आ रही, तो वो क्या करेंगे, प्लस 2 ऐड करके देख ले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, समझा क्या? प्लस 2 ऐड करके ऑप्शन में देख लो, 2 ऐड करके 150 किसी का नहीं होता है, 2 ऐड करोगे कितना होगा 191 किसी का नहीं होता है, 204 में 2 ऐड करके 206 आएगा, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 194 में अगर 2 ऐड करोगे तो 196 होता है, जो कि क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं, आप आंसर समझा क्या? अच्छा ये चीज समझा क्या, आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया। चलो जिन लोगों ने नहीं समझा होगा वो ये देख लिया, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई तो हमारा ये पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू कितना दी देना है, 7 + 4√3 है, तो हम पी प्लस 1/P की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 7 का डबल 7 × 2 दैट मीन 14, तो पी स्क्वायर 1/P² में पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का स्क्वायर माइनस 2 दैट मीन 190। जिनको चाहिए वे में वो वे में देख लें, एक जिनको इस तरह से चाहिए शॉर्टकट फटाक दे आंसर का तो आंसर देख लें। स्टूडेंट एक चीज आओ,
अगर जो लोग थोड़ा सा पुअर स्टूडेंट हैं आपको उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज बोल दिया करो कि नहीं सर मुझे पूरा सोल्यूशन दो या पूरा हमारे साथ एक काम करो, तो हम लोग पूरा कर ले जाएंगे, समझ लेंगे। क्योंकि अगर गलती से आपने शांति से बैठ गए कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, आपको कोई देख भी नहीं रहा है तो अच्छी बात है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी इन द सेंस में कुछ भी मत बोलो, बट इन द सेंस आप पूछ सकते हो, आप कैसा भी क्वेश्चन आपको अराइज आ रहा है आप पूछ सकते हो, आपको प्रॉब्लम है नहीं, कोई देख तो रह रहा है, तो फिर सर माने की क्या जरूरत होगा, घर बैठे हो कोई देख भी नहीं रहा है, आज सामने बैठे रहो तो चलो तो आप पूछ रहे हैं, मैं समझ में आता है अरे मैं पूछूंगा तो लोग हंस देंगे, बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो जिनको ऐसा होगा तो सोल्यूशन आपको मैं परफेक्ट दूंगा, बट अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम लोग फटाफटक करके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप भी स्पीड बनाते हो तो मैं स्पीड में क्वेश्चंस कराते चला जाऊंगा। चलो आगे देखें। यस सर। रब कर दूं? यस सर। चलो If A is equal to 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 and B is equal to 2 minus root 3 upon 2 plus root 3, value of A square plus B square plus AB की value क्या हो? Option है आपके पास 185, बी ऑप्शन 195, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है कितना 175। देखो 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 आप इसकी वैल्यू क्या होगी, आया क्या किसी का? हम पानी में किसी का आया? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, टाइनेस क्वेश्चन आपको फटाक दे हो जाएगा। देखें देखते देखो क्या देखो, ए इज इक्वल टू इतना दिया, बी इज इक्वल टू दिया है, तो देखो ए की वैल्यू दिया है तो बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू है क्या, वन बाई ए है क्या, देखो ध्यान से देखो, तो ये पहले ये ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन सभी को समझ में आ रहा है क्या? Yes. अगर ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है तो इसको मतलब ये पूछा क्या है, वन बाई ए का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस वन बाई ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन बाई ए, यही तो पूछा ना आपसे। Yes. इसका मतलब ए से कैंसिल, फाइनली आया क्या, ए का स्क्वायर प्लस वन बाई ए का स्क्वायर प्लस का वन, ये वैल्यू पूछा है आपसे, क्लियर? Yes.
आप एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर आपके पास a की वैल्यू गिवेन है, 1 बाई a की वैल्यू गिवेन है, तो आप क्या करते हो? a प्लस 1 बाई a की वैल्यू के लिए क्या करते हो? इन दोनों का सम लेते हो। दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये एक्चुअल में है क्या? ये पहले समझ लो इसको। a की वैल्यू है क्या? रूट में 4 प्लस रूट में 3 डिवाइड बाई रूट में 4 माइनस रूट में 3, यही है क्या? और b की वैल्यू भी क्या है? रूट में 4 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 4 प्लस रूट में 3, यही वैल्यू है क्या? हमने 2 को रूट में ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यही तो वैल्यू दिया है। और जब ये वैल्यू दिया है तो हमें क्या पता है a प्लस 1 बाई a की वैल्यू क्या होती है? तो ट्वाइस आप इन दोनों का सम, 4 प्लस 3 का सम डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। तो ये 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7, 7 पूजा कितना हो जाएगा? 14। समझ में आया क्या? a प्लस a की वैल्यू कितना होगा? 14। तो आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर, आपको क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू गिवेन है, इससे स्क्वायर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? स्क्वायर पे। क्या करते हो? के स्क्वायर माइनस 1, सॉरी के स्क्वायर माइनस 2। तो के स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 196 माइनस 1 इज इक्वल टू 195। समझ में आया क्या? ये ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए। अब देखो बार बार आप रूट में इसको 4 करो, अरे करने की क्या जरूरत है? आप तो आप ऑब्जर्व कर रखते हो ना कि एक्चुअल में रूट में 4 है। अब डायरेक्ट इनका ए वैल्यू निकाल लो ना। और जिनको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, अगर ये पूरा ऑब्जर्वेशन वो क्वेश्चन बना लिया ना, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसका स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स इसकी वैल्यू वो देखेंगे कि 2 + 4 + 3 = 7, उसका ट्वाइस करेंगे तो 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 195। एक से दो स्टेप में आंसर उनको मिल जाएगा, जो लोग ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी है। लेकिन जिन लोगों का अभी प्रैक्टिस में है वो लोग इतना करके फिर आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? हो गया? नहीं सर। मतलब समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और जो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनके लिए और चीजें देख लो, और अच्छे से देख लो कि हमें अगर करना है विदाउट पेन और पेपर को यूज किए हुए, तो देखो क्या करोगे। इसका मतलब आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। इसका मतलब आंसर आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा है। राइट है क्या? इतनी बात। तो अगर इतनी वैल्यू पूछा तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? के का स्क्वायर माइनस 2 से अब प्लस 1, दैट मीन्स क्या निकालोगे? के का स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे क्या? अब के का स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे तो जो आंसर आएगा, अगर उस आंसर में अगर प्लस 1 कर दे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? देख के बताओ। ये जो इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा अगर उसमें प्लस 1 आ जाएंगे, इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या? हमने एक सब्ट्रैक्ट किया है, अगर उसमें एक ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा क्या? यस सर। जैसे इसके पहले तो आप देख लो, 175 में अगर ऐड करोगे 1 तो 176 किसी का स्क्वायर नहीं, 201 किसी का स्क्वायर नहीं, 186 किसी का स्क्वायर नहीं, 196 ये इसका स्क्वायर किसका? 14 का। समझ में आया क्या? तो आप इस पे भी जाके आप आराम से आंसर को निकाल सकते हो। बस क्या देखना है कि यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है कि माइनस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, बस एक स्क्वायर के बाद एक क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर सपोज करो ऐसा आ जाता है, k का स्क्वायर प्लस 1 आ जाता,
इसका मतलब क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, इसका मतलब जो नंबर गिवन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है आपका आंसर, राइट? समझा क्या? ठीक है ना, तो आपको वे विद मतलब मेथड भी समझ में आ रहा है, अब प्लस ऑप्शन से कैसे जाना है, अगर ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो भी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो, ये आपका आया हुआ है स्टूडेंट अभी 17 के मेंस का क्वेश्चन है, रिसेंटली क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2, बी इज इक्वल टू दिया है रूट में 3 माइनस रूट में 2 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ रूट में 3 प्लस रूट में 2, वैल्यू बताना है फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है आपके पास 96, बी ऑप्शन है 2 रूट में 13 प्लस 2, सी ऑप्शन है 4 रूट में 6 प्लस 1 और आपका डी वाला ऑप्शन 98। देख के बताओ स्टूडेंट कितना है, बताओ कौन सा आंसर ऑप्शन है, बता दो आंसर कितना है। ये समझो कि आप मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो, शायद उसमें आप बैठे रहते थे क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो जाती, देख लो आया क्या किसी का, नाइन्टी सेवन वेरी गुड समझ में आया क्या सभी को, इसका मतलब ये बी किसका, इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू पूछा है क्या आपसे, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक हुआ के स्क्वायर माइनस टू माइनस वन दैट मीन के स्क्वायर माइनस थ्री, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, जो वैल्यू आ रही है परफेक्ट स्क्वायर के होता है, के है के का स्क्वायर किया है वो परफेक्ट स्क्वायर में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ऑप्शन में वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 ऐड करने के बाद क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, देख लो 97 प्लस 3 कितना होता है 100, 100 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 ए दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, दोनों 98 में ऐड करोगे तो 101 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं सकता, तो देख लो कितने सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कितने जल्दी बता सकते, अब जिन लोगों को नहीं है वो लोग देखो, अगर ए की वैल्यू इतना गिवन है तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम 2 × 3 + 2 अपन इन दोनों का डिफरेंस 3 − 2 दैट मीन्स कितना आगे वैल्यू के, ए प्लस वन अपन ए की वैल्यू कितना आगे, अब हमें जाना है ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर पे, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस वन अपन ए स्क्वायर पे, तो क्या करेंगे k का स्क्वायर माइनस टू दैट मीन 10 का स्क्वायर माइनस टू दैट मीन हो गया 91, आपसे पूछा ना माइनस वन तो दोनों साइड से माइनस वन कर दो, ए स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे 98 माइनस वन इज इक्वल टू हो गया 97, तो जिनको प्रोसेस से करना हो प्रोसेस से कर सकते हो, जिनको प्रोसेस से करना हो प्रोसेस से कर सकते हो, और जिनको बस इतना ही आंसर से मतलब है उतना ही आंसर कर सकते, डिफाइंड आपको करना है कि आपको कौन सा मेथड है क्या चीज अप्लाई करना है, बताने के लिए तो मैंने दोनों बता दिए,
हो गया, हो गया सर, समझ गया आप लोगों ने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है रैशनलाइजेशन का, मैं पहले ही बताया, रब करें इसको। रब कर दूं? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों, इफ ए इज इक्वल टू 3 प्लस रूट में 7 अपॉन 3 माइनस रूट में 7 एंड बी इज इक्वल टू दिया हो 3 माइनस रूट में 7 अपॉन 3 प्लस रूट में 7, फाइंड करना है आपको क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट बता दो आप लोग। आंसर है 257, बी ऑप्शन है 255, सी ऑप्शन है 253 और डी ऑप्शन है 259। इस क्वेश्चन को देखो, चलो जल्दी जल्दी करोगे आप लोग तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आया क्या किसी का आंसर? सर बी, बी 255, वेरी गुड। और किसी का? 257, वेरी गुड। और किसी का? चलो देख लेते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, इसको ओपन कर दो तो क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, अब प्लस का ab होगा, तो आपको आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपको बताना है, राइट है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या बताना, के का स्क्वायर माइनस 3 बताना है क्या? अच्छा, शॉर्ट कट बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि इतना ज्यादा शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा शॉर्ट ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, वेरी गुड। तो देखो क्या है, के स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब 3 ऐड करके देख लो जो ऑप्शन सही है, अब 3 ऐड करके देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आप बताओ। 253, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, राइट है क्या? डन? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इसका सोल्यूशन दूं उस तरह से या आगे चले हम लोग? आगे चले ना। चलो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन इस टाइप के जितने कंफ्यूजन से क्वेश्चन है खत्म करते हैं, क्योंकि एक आप एग्जाम दोगे ना प्री या मेंस में कहीं ना कहीं तो इससे, अगर मेंस में जाओगे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्री में का क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एक मिनट लेकिन स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज बता देना, पता चले कि हाँ सर बहुत फास्ट चले गए, हमें समझ में आना नहीं हुआ। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलो ना, कंफ्यूजन तो दूर करना बहुत जरूरी। हाँ सर, ये माइनस 3 के लिए अपन हमेशा प्लस 3 करते हैं, तो सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? राइट है ना,
आप एक बात बताओ, इसकी वैल्यू निकालोगे, सपोज करो ए आएगा क्या, मैं एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से करता हूँ। अगर इसके इसको सॉल्व करोगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैंने मान लिया ए आ गई, राइट है ना? राइट तो आप राइट. क्या करोगे, अगर थ्री को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री आएगा क्या? यस सर। इसका मतलब आप क्या किए हो, जो वैल्यू आई थी उसमें थ्री ऐड कर दिया आपने, तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या? देखो के का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना ये। यस सर। इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस। तभी तो आपने ये सबट्रैक्ट करके वैल्यू ये लाया है आपने, समझा आपने? यस। कहां चले गए, कहां चले गए, थोड़ा सा बताओ तो सही भाई, समझा कि नहीं समझा? पूछ के गायब हो जाओगे, कैसे काम चलेगा? आपको ही कहेगा सर, कोई जरूरी थोड़ा ना k स्क्वायर की वैल्यू समथिंग गिवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट है? आप बोल रहे हो मैं मानता हूँ, बट यहाँ से ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर वाली पहले वैल्यू दे रखा कि परफेक्ट स्क्वायर हमने किसी का किया है, जब आपने किसी का परफेक्ट स्क्वायर किया है, अगर उसी उतना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो उतना ही वैल्यू ऐड करोगे तो 100% आंसर सेम आएगा। क्लियर क्या? यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा क्या? 7। अगर 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? यस सर। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। चलो आंसर बताने पे जाऊं, थोड़ा माइंड खोलोगे, जो लोग माइंड खोलेंगे दौड़ाएंगे उन्हीं को समझ में आएगा, उन्हीं को मतलब कि क्लियर होगा। अदरवाइज अगर जो भागने वाले हैं सोच ही रहे हैं कि हमको इतने से हो जाएगा, तो उनको तो भाई मैं नहीं कुछ बता सकता, उनकी अपन पर्सनल मर्जी है। y इज इक्वल टू आपको गिवेन है, रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपॉन रूट में 5 माइनस रूट में 3। क्योंकि इन क्वेश्चन को ना अगर सेम प्रोसेस से करने ना, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन काफी बड़े से है। x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? अच्छा जहां नहीं समझ में आएगा बताना, मैं प्रोसेस से बता दूंगा आप लोगों को। बताओ इसकी वैल्यू बताओ। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेरी गुड। और किसी का? और किसी का? चलो देख लें फिर। यस। देखो एक्चुअल में पूछा क्या है, यानी आपसे पूछा है एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स की स्क्वायर प्लस वन वैल्यू पूछा है, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या पूछा है, x का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन वैल्यू पूछा है, यही दो वैल्यू पूछा है क्या, राइट है? क्लियर इतनी बार? यस सर। ये स्टेप सभी को समझ में आया ना, क्योंकि क्या है ये इसका रिवर्स किया तो हमने डायरेक्ट वन बाई एक्स ले लिया, y की वैल्यू वन बाई एक्स ले लिया, राइट है ना? यस सर। अब इतने की वैल्यू क्या बनेगी सर? नहीं समझा सर। भाई एक बात बताओ, एफ की वैल्यू अगर रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपन रूट में 5 प्लस रूट में 3 है, और वाई की वैल्यू जस्ट इसका रिवर्स है, तो वाई की वैल्यू 1 बाई एक्स नहीं होगी क्या? ये सर। हाँ फिर एक्स नहीं होगी क्या? तो जहाँ पे वाई है हमने वहाँ पे एक्स रख दिया, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर है तो 1 बाई एक्स। हाँ सर समझा सर। वो एक्स एक्सटेंसिव,
अब इसकी वैल्यू क्या होगी, के का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन होगी क्या ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, के का स्क्वायर माइनस वन होती है ना, यहाँ पर भी के का स्क्वायर माइनस वन होगा, राइट है क्या, इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पे क्या बना, के स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या बनना, के स्क्वायर माइनस थ्री। अब ऑप्शन देख देख लो, यहाँ पे वन सब्ट्रैक्ट किया गया है तो यानी परफेक्ट स्क्वायर में वन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसमें थ्री ऐड करना पड़ेगा, अगर इसमें वन ऐड करोगे तो 64 आएगा, इसमें थ्री ऐड करोगे तो 64, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, इसमें वन ऐड करोगे तो 68 आएगा और वन ऐड करो तो 66, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, इसमें वन ऐड करोगे कितना आएगा 66, इसमें वन स्क्वायर थ्री ऐड करोगे कितना 66, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसमें वन ऐड करोगे कितना आएगा 70, इसमें वन थ्री ऐड करोगे कितना आएगा 70, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, बस यही वैल्यू होती है, समझ में आया क्या स्टूडेंट, क्लियर हुआ क्या, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, चलो नहीं समझ में आया होगा तो देख लेते, इसकी वैल्यू के का स्क्वायर, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पहले x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए क्या, इसकी वैल्यू निकालते कैसे हो, टू टाइम्स इन दोनों का सम तो 5 + 3 अपान इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 इक्वल टू कितना होगा, 5 + 3 8 हो गया, तो 2 × 8 अपान कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू कितनी आ गई 8, राइट है क्या, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 8 आएगी क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, अगर ये शॉर्टकट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया, प्रोसेस को तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम, यस सर, तो अगर इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गई, अब हमें इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू होती है के स्क्वायर माइनस वन, इसका मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान, इसकी वैल्यू क्या होती है, के का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, वैल्यू कितना हो जाएगी 64 माइनस 1 अपान 64 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा कितना 61, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, समझ में आया क्या आप लोगों को, Yes. तो मैंने यही तो किया था ना, समझा आप लोगों ने, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, Yes, sir. नोट करना, नोट कर लो कोई आप लोग, नोट हो गया, यस सर, चलो ये अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, इफ एक्स के पावर 4 प्लस, ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन कितना है 3, ये ऑप्शन है, ये वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन आपको बताना, बताओ को तो क्वेश्चन को क्या किया इसने, सेफ सब कुछ कंसेप्ट भी सेम, सब कुछ बस क्वेश्चन को बस इधर उधर कर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है, वन
अब्दुल राशिद खान, वन आया है। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? और किसी का आया क्या? देख ले फिर। यस सर। एक्चुअल में क्या ही हुआ है, एक्स के पावर फोर प्लस वन अपन एक्स के पावर फोर की वैल्यू कितना है? 194 है, राइट है क्या? आपसे पूछा क्या पहले देखो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट मीन से क्या वैल्यू पूछा है? एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, यही वैल्यू पूछा है क्या आपसे? तो जब इतनी वैल्यू पूछा था स्टूडेंट ने, अगर मैं एक्स के पावर फोर प्लस वन अपन एक्स पावर फोर है, अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर अपन वन अपन x स्क्वायर निकालू, तो हम लोग क्या लिखते हैं? k प्लस रूट में टू, ये लिखते हैं ना। मैंने बताया था ना एक बार कि अब जब रिवर्स आते हो तो कैसे करते हैं, यानी हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में कैसे आते हैं, ये बताया था ना मैंने। फॉर्मूला याद आ रहा है सभी को? रूट में k प्लस टू किया था मैंने, भाई कुछ तो बोलो, हाँ या ना में बोलो यार, बच्चे थोड़े हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 194 प्लस 2 इज इक्वल टू 196, दैट मींस 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का, राइट है? यस सर। फिर यहाँ से आपके यहाँ पे आओगे x प्लस 1 बाई x पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? और रूट में फिर से 14 प्लस 2 मिलेगा, दैट मींस 4 मिलेगा क्या आपको? यानी कि क्या हो गया, x प्लस वन बाई x की वैल्यू कितना गई? 4। x एलसीएम ले लो, x एलसीएम ले लो, एलसीएम लेको तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस वन अपन x आएगा क्या? इज इक्वल टू 4 आएगा क्या? इतना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना आएगा? 4x हो जाएगा। अगर इतनी वैल्यू हो गई तो देखो, यानी x स्क्वायर माइनस 4x को आप इधर लिखे, 4x को क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, तो माइनस 4x हो जाएगा। आप 1 को राइट हैंड साइड में लिखे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितना हो गया? माइनस 1। तो देख लो इसको क्या लिख सकते, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितनी है? माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू। तो देखा आपने सब कुछ ये परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज हुआ, लेकिन किया क्या है, थोड़ा रिवर्स जाने। अभी तक हम लोग हायर लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर पे जाते थे डिग्री, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, ये पावर क्या करता है, रिवर्स करके आया, ये वैल्यू पूछ दिया था क्या, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आपको दिखाएगा नहीं, x दिखाई दे रहा है ना, 1 बाई x दिखाई दे रहा था, करेंगे कैसे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताया ना कि देखो हमने किया इसी से, कुछ भी नहीं अलग किया, लेकिन इस चीजों को हमें करने आना चाहिए। ये थोड़ा सा माइंड, कभी भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करो, एक्चुअल में क्वेश्चन पे जाओ कि क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने कंफर्टेबल जोन में पहले इसको लाओ कि एक क्या चीज आ जाएगा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा हो क्या आ जाएगा, तो हम उसका आंसर दे देंगे। तो उस फॉर्म में आप लाने के पहले कोशिश कीजिएगा, ओके? यस। समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आया तो नोट कर लो, जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ। सर x रेस टू माइनस, मतलब माइनस में कोई भी गया, हेलो, x के पावर में कोई भी माइनस में रहेगा तो वन अपॉन प्लस में आएगा ना वो? हाँ हाँ हाँ, इसका रिवर्स ही होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसी चीज को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, आज जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर फोर है ना, तो इसको लिख सकते हैं वन अपन एक्स पावर माइनस फोर, ऐसे भी लिख सकते, वाइस वर्सा।
ठीक है, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता। क्लियर? नोट हो गया? एक क्वेश्चन आप करो, x इज इक्वल टू रूट में 30 प्लस रूट में 4 11 अपॉन रूट में 30 माइनस रूट में 11 एंड y इज इक्वल टू दे दिया 1/x, पहले ही बोल ही रखा है ये 1/x। देन आपको क्या बताना है, 3x² - 5xy + 3y² ऑप्शन है आपके पास 1717, बी ऑप्शन है 1177, सी ऑप्शन है 1771 और डी ऑप्शन आपका कितना है 1171। ये वैल्यू है, हुआ क्या कैसे का? आया किसी का आंसर? चलो देख लेते हैं स्टूडेंट, देखें yes, देखो पहले क्वेश्चन को अपने डिजायरेबल फॉर्म में बना लो, इस टाइप से तो हमें आता ही नहीं है, हमें क्या आता है वो कर लेते हैं। 3x² y की वैल्यू कितना 1/x है, तो 5x × 1/x आप प्लस क्या होगा 3 1/x² देखो इन दोनों को एक साथ करो 3x² + 3/x² माइनस ये x x कैंसिल हो गया क्या बचेगा 5 3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा x² + 1/x² बनेगा क्या माइनस राइट है क्या इतना बनेगा क्या हाँ सर हमें वैल्यू किसकी बतानी है इसी की वैल्यू बतानी है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम x + 1/x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं 2 टाइम्स इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 13 + 11 डिवाइड बाय क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस तो 13 - 11 कितना आ जाएगा 2 × 13 और ये ऐड करेंगे कितना होगा 24 और डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 / 2 कैंसिल हो गए x + 1/x की वैल्यू कितना आ गया 24 ठीक है अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे x² + 1/x² निकालना तो क्या करेंगे 24 का² - 2 करेंगे क्या यही करेंगे ना 24 का² - 2 ही करेंगे ना यस तो ये कितना हो जाएगा 576 24 का स्क्वायर कितना हो 576 - 2 कर दोगे तो 574 ax² + 1/x² की वैल्यू क्लियर यस सर अब यहां पे वैल्यू पुट करो 3 × 574 - 5 अब देखो अब हमें क्या करना है कि इनमें सबट्रैक्ट करना ये क्या करोगे 3 4 जा कितना होगा 12 होगा ना हां सर 3 4 = 12 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा यूनिट डिजिट 7 आएगा हाँ सर अब 7 यूनिट डिजिट देखो ए का भी यूनिट डिजिट 7 है अब बी का भी है तो चलो आगे चलते ठीक है फिर कितना होगा
यहाँ पे थ्री सेवन थ्री जा कितना होगा 21 और वन कैरी बचा था 22 हो गया राइट है ना. तो अब 21 में से अगर हम लोग कितना 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा आएगा, वन आएगा ना, पूरा कर लो क्योंकि ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 21 आ जाएगा तो हमारा नीचे क्या आएगा वन आएगा सेकंड ऑप्शन यूनिटी 10 डिजिट. अब ये 17 देख के आपका आंसर डायरेक्ट मार दो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखेगा तो आंसर सेम आएगा क्योंकि हमें बस लास्ट के 2 डिजिट देख लिया तो हमारा आंसर आ गया. हम पूरा मल्टीप्लाई करने क्यों जाए, 4 3 जा कितना होगा 12, 7 3 जा 21 और 22 हो जाएगा और 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 माइनस 5 ये कितना होगा 17 1. समझ में आया क्या, क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes. क्लियर हुआ क्या किसी को? प्रॉब्लम यहां तक बताओ no. किसी को प्रॉब्लम? ओके तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का ये सारी चीजें खत्म हो गई है. अब हमें जो बताना है इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन आ जाता है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या पूछ देता है कि वो वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना. सम टाइम एक कर देता है कि आपको कुछ अलग सी वैल्यू दे देता है, उनकी वैल्यू बतानी हो तो मैं बताऊंगा सारी वैल्यू क्या क्या होती है. तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, एक या दो लेक्चर में आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा. तो फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री. क्लियर? रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन और इनके क्या नाम है जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं इनके क्या होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं इनके क्वेश्चन मेंसुरेशन से या क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का मैच करते हैं. तो ये दोनों टॉपिक एक साथ पैरेलल लेके जाऊंगा. जैसे अलजेब्रा अलग है ना इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी अलग है. तो ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा. ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सेपरेट टॉपिक है, दोनों खत्म हो जाएंगे. वो दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं तो एक ही साथ दोनों रिलेटेड टॉपिक एक साथ करेंगे हम. ओके हाँ तो एक या दो लेक्चर में आप लोगों का मॉर्निंग बैच का ये खत्म हो जाएगा अलजेब्रा. ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय बाय.